आज आपको आस्था और अंधविश्वास की बारीक लकीर को मिटाकर बाबाओं का भक्ति के बनते बाजार के विरुद्ध देनी है दस्तक। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A ये कहता है कि नागरिक का कर्तव्य होगा वो वैज्ञानिक स्वभाव की भावना को विकसित करे। नीति निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर काम होगा। नागरिक कर्तव्य निभा रहे ना राज्य अपेक्षा पूरी कर रहा है, परिणाम पहले बाबा आते हैं फिर बाबा के शिष्य आते हैं, दरबार बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या है। आज आपको 11 साल के बच्चे की कहानी से पहले ये समझना है। 11 साल का ये बच्चा आज आपको बताने वाला है कि ये देश क्यों बाबाओं और मौलानाओं के भरोसे है। आज हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ, कल अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी के साथ भी ऐसा करेंगे वो। भारत में हर धर्म के भीतर अंधविश्वास की बेल कैसे फलती फूलती है वो सच आज मासूम आदर्श पांडे की कहानी बताएगी। इतने बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, उनका क्या फायदा है जब हम मरीज को पेशेंट को देखा ही नहीं जाएगा, तो अस्पताल के खुले होने का क्या फायदा है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला आदर्श अपने बुजुर्ग बीमार पिता को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। सुबह तक डॉक्टर देखने नहीं आए, हालत बिगड़ी। पिता की मौत से 10 मिनट पहले आए डॉक्टर, बोले लखनऊ ले जाओ। फिर क्या हुआ आदर्श की पूरी कहानी दिल संभाल कर सुनिएगा। रामचंद्र पांडे कहाँ रहने वाले का वाइल के ही ज्यादा दूर नहीं पर। तो रात के 2 बजे तबियत खराब हुई तो एम्बुलेंस को बुलाया, वहाँ छोड़ गया कि यहाँ पे भर्ती करवा दी। और फिर उनके 4 मंजिल पे बेड नंबर 23 पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे 2 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं देखना है अभी तक। सुबह राउंड पे आकर डॉक्टर नहीं देखने आए। और जब एक्सपायर होने को 10 मिनट बाकी थी तो कह रहे लखीमपुर वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है मैं बताओ जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी हमें। आदर्श की कहानी बताती है नागरिकों को अच्छे अस्पताल चाहिए, नागरिकों को समुचित इलाज चाहिए, नागरिकों को जरूरत मुताबिक डॉक्टर चाहिए, नागरिकों को व्यवस्था की जवाबदेही चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था अव्यवस्थित होकर जीवन में भूचाल लाती है तो नागरिकों की बीमारी लाइलाज हो जाती है, निराश हुए नागरिक भक्त बन जाते हैं, अस्पताल की जगह दरबारों में भीड़ जुटती है, बाबा मौलानाओं में आखिरी उम्मीद खोजती जनता सब कुछ भूल जाती है। आस्था अंधविश्वास में बारीक सी लकीर होती है, वो लकीर मिट जाती है। अब दस्तक देते हुए खुद फैसला करें, क्या किसी वैदिक विधि से सिर्फ बोलकर शरीर में धंसी कील निकाली जा सकती है। यहाँ जैसे कील चुभी उसे मुझे खाता रहता घर जाके, यहाँ लगता है कील चुभा हुआ है, कील 24 घंटे खाता राइट साइड इतने से ही और इसका आ गया चक्र छीन लिया जाए। ओम शिव। शिव को खिला दिया बैलेंस। ये जहां पे हाथ रखा हुआ है इसने दाहिना हाथ अपने जहाँ मार रहा है जहाँ पे चलता रहता है इसकी कील घुसी हुई, ये फाड़ दिया जाए। सुश्रुत फाड़ के कील बाहर निकाले। ओम शिव। फाड़ दिया जाए कपाल फाड़। क्या रुद्राक्ष का पानी पीने भर से कैंसर ठीक हो जाता है। वरेश्वर धाम का जो शिवरात्रि पर सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष का मात्र पानी 3 दिन पिलाकर देखना मर पर कितनी भी किडनी कितनी भी लीवर शुगर बीपी चाहे हो ब्लड प्रेशर हो चाहे कैंसर जैसे भी बीमारी वो रुद्राक्ष बाबा का कुबेर भंडारी का साधारण नहीं है। क्या एड्स की बीमारी बोलकर शरीर से निकाल दी जाएगी। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा एड्स की बीमारी जो दोनों को है दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठा। क्या पर्चा लिखकर तलाक की समस्या बाबा दूर कर देंगे। खंड ज्योति जलाओ हम सेना भेद दे भी तलाक में जो है एक मिश्रा जज तुमाओ तलाक करवा दे है आशीर्वाद है। कब तक हो जाएगा महाराज। आओ अबे है हमने देख लो महाराज कब तक हो जाएगा। समय है 8 महीना आओ मिश्रा जज करवा दे। क्या मौलाना मौलवी हाथ पकड़ कर गंभीर रोग का इलाज कर देंगे। पूरा जला के भस्म कर दूंगा जल्दी बोल कहीं कोई बच्ची के आंग में
हाँ कौन है तू? कौन है, क्या नाम है बोल, कर दूं खैर पूरा खत्म कर दूं। क्या आपको लगता है कि जो भी आस्था और भरोसे के नाम पर आपने देखा वो सच हो सकता है? अगर देश में बाबाओं, मौलानाओं, पादरियों के पास इतनी चमत्कारी शक्तियां हैं, तो फिर क्यों नहीं उसी विद्या, साधना और करिश्मे से सरकारी अस्पतालों की कुनीत का दर्द सहते आदर्श पांडे जैसे बच्चों के जीवन को सुरक्षित कर दिया जाता है।